मौसम की वजह से अचानक तबीयत थोड़ा खराब हो गया है दोस्त। अभी अचानक से मैं अभी सुबह तक सही था, नहा धोकर के आया, अभी देखो हालत खराब हो गया है। आवाज नहीं निकल रहा है, गला बैठ गया है नाक से पानी। ओके चलो बात करते हैं। वो जो रामायण मूवी की परशुराम कैरेक्टर को लेकर के जो न्यूज़ था ना मेरे दोस्त, पहले बहुत पहले से, ठीक है, यही प्रॉब्लम है गांव में। ओके बहुत पहले से अपडेट आ रहा था कि डार्लिंग प्रभास रामायण मूवी में भगवान परशुराम जी के किरदार में नजर आएंगे, क्योंकि उनका कटआउट, उनका जो ऑरा है, जिस तरह का उनका स्क्रीन प्रेजेंस रहता है, परशुराम कैरेक्टर के लिए बेस्ट रहेगा, कुछ इस तरह की बातें हो रही थी, है ना। और सच बताएं तो जब हम सोचते हैं, क्योंकि परशुराम कैरेक्टर भाई एक ऐसा है, भगवान परशुराम जी का रामायण मूवी में हो गया या फिर महाभारत में हो गया, जब भी उनका एंट्री होता है ना भाई, तो तहलका मच जाती है, चाहे वो रामायण हो महाभारत हो, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है। उनकी कहानी ही कुछ ऐसा है। तो एक दिलजब, एकदम एक खतरनाक ऑरा वाले, एक खतरनाक कटआउट वाले मतलब हीरो को देना बहुत अच्छी बात है। और इस बात को लेकर के हम बहुत ज्यादा खुश थे कि डार्लिंग प्रभास परशुराम, भगवान परशुराम वाले किरदार में नजर आएंगे, जो लुक दिया जाएगा और जो स्क्रीन प्रेजेंस उनका होगा बहुत ही कमाल का रहेगा और बहुत मजा आएगा। लिटरली उनको ये रोल जो है ना बहुत ही ज्यादा सूट करेगा, हम सोच रहे थे ऐसा। लेकिन हाल ही में बीच में फिर अपडेट आया कि रणबीर कपूर ही भगवान परशुराम जी का कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं रामायण में। रामायण मूवी में भगवान परशुराम जी के कैरेक्टर में भी रणबीर कपूर ही आएंगे, और इस बात पर भी हम कन्वेंस हो गए, क्योंकि भगवान परशुराम जो है वो भी भगवान विष्णु जी का अवतार है, भगवान श्री रामचंद्र जी हैं वो भी भगवान विष्णु जी का अवतार है। तो भगवान विष्णु जी का जितना सारा भी अवतार दिखाया जाएगा, वो सारे अवतारों में रणबीर कपूर को लिया जाएगा, क्योंकि रणबीर कपूर भगवान श्री रामचंद्र जी बनकर के आ रहे हैं रामायण में। तो इस बात को लेकर भी हम कन्विंस हो गए थे, लेकिन आज के डेट में फिर से उसी न्यूज को चलाया जा रहा है, फिर से बहुत सारा आर्टिकल ट्विटर पे हर जगह पे अभी वायरल होने लगा है कि रामायण मूवी में वाकई में डार्लिंग प्रभास को एक कैमियो मिलेगा, एक दमदार कैमियो मिलेगा, जिसमें वो भगवान परशुराम बन करके आएंगे। मैंने शायद आपको किसी वीडियो में एक बार बोला भी था कि रामायण में जब शिवधनुष तोड़ने का टाइम आता है, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता जी का जब विवाह का समय जब आता है मिथिला नगरी में, तो जब शिवधनुष तोड़ देते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, तो उस टाइम पे एक क्या बोलते हैं, एक टंकार, एक एक जो कंपन जो हम कहते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ होता है। तो वहां पे भगवान परशुराम जी ना भड़क जाते हैं और आकर के वो भरी सभा में कौन ऐसा किया बोल करके वहां पे तांडव मचाने लगते हैं, और बहुत ही मतलब सब लोग डर जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब सामने आते हैं, जब दोनों आमने सामने होते हैं, तभी भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान परशुराम जी पहचानते हैं और जानते हैं कि मतलब अभी भगवान विष्णु जो कि वो खुद हैं, वो भी भगवान विष्णु जी का ही अवतार है, तो मैं मतलब भगवान विष्णु किस लिए मतलब अभी भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार में आए हैं, उनका मकसद क्या है, कैसे फिर सृष्टि का मतलब विनाश होने से रोकेंगे, कैसे रावण की अहंकार को तोड़ेंगे, वो सारी चीजों के बारे में वहां पे फिर उनको एहसास होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी पधार चुके हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का ही ये काम है बोल करके एक दोनों का एक आमने सामने वाला सीन होता है, जो कि रामायण का सबसे बेस्ट और घुसबम वाला मोमेंट होता है। तो वो चीज बहुत ही कमाल का होगा जो अगर डार्लिंग प्रभास और रणबीर कपूर आमने सामने होंगे तो। इस बात को लेकर के अभी बहुत सारा न्यूज भी फैलाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है बोल करके। सच बताऊं तो ऐसा होगा तो भी बहुत अच्छा लगेगा, अगर नहीं भी होगा तो भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि रणबीर कपूर दोनों कैरेक्टर को खा डालेंगे, उनका मतलब है एक एक है वो किसी भी किरदार में खतरनाक तरीके से अपने आप को ढाल देते हैं। तो भगवान परशुराम बनकर के भी आएंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी बनकर भी आएंगे, तो रणबीर कपूर का दोनों, एक शांत स्वभाव वाला और एकदम से एक रुद्र वाला, तो एनिमल का वो कॉम्बिनेशन टाइप का हो जाएगा बिल्कुल। तो फील हो रहा है वो चीज़। और अगर डार्लिंग प्रभास को दिया जाता है, तो डार्लिंग प्रभास रणबीर कपूर का बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है। मैं आपको बता दूं कि अगर डार्लिंग प्रभास को पूछा जाए कि बॉलीवुड से कौन से एक्टर को आप ज्यादा ये करते हो, तो वो रणबीर कपूर का नाम लेते हैं। रणबीर कपूर को पूछा जाए, जो माई डार्लिंग प्रभास को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तो कुछ इस तरह के उनका रहता है। तो दोनों के बीच ना बहुत अच्छा बॉन्डिंग भी है, और ये दोनों बहुत ही खतरनाक तरीके से वो सीन को डिजाइन कर देंगे, मजा आ जाएगा। तो मैं ना गाइस, दोनों में से जो भी न्यूज सच होगा, रामायण मूवी में मैं बहुत ही ज्यादा भरपूर एंजॉय करूंगा। लेकिन डार्लिंग प्रभास को लिया जाता है तो वो एक कमाल का चीज हो जाएगा, जो कि डार्लिंग प्रभास और रणबीर कपूर आमने सामने हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन
देखते हैं, इतनी बड़ी चीज़ को हम यकीन कर लेना भी बहुत मुश्किल वाली बात है। और वैसे भी डार्लिंग प्रभास की लाइनअप बहुत बड़ी है, ये है, और क्या होगा पता नहीं। फिर कनप्पा की तरह अगर 10-12 मिनट के लिए कैमियो दे देते हैं तो क्या हो गया। ओके, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, तो उनका तो ऐसा वाला काम है, तो आकर के कर भी देंगे, क्या हो गया। ओके, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। पर आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना कि आपको डार्लिंग प्रभास भगवान परशुराम बन करके आए तो वो आपको सही लगेगा, या फिर रणबीर कपूर ही भगवान परशुराम जी का कैरेक्टर को निभाए वो आपको सही लगेगा, आपका क्या पसंद है वो जरा कमेंट करना। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक बात सोच रहा हूँ, अगर मान लो रामायण में भगवान परशुराम जी के कैरेक्टर में डार्लिंग प्रभास ही आ गए तो इस फिल्म का कलेक्शन क्या होगा और इस फिल्म का क्रेज क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी रणबीर कपूर और यश इस फिल्म में हैं और वहां पे प्रभास आ जाएंगे। प्रभास, रणबीर कपूर, यश, बॉलीवुड से भी, कॉलीवुड से भी, टॉलीवुड से भी, पैन इंडिया सुपरस्टार सारे के सारे। ओ भाई, क्या रिकॉर्ड बनेगा और किस तरह का रामायण ये बनेगा, जरा सोचो। ओके, तो इतनी बड़ी बात ना सोचने के लिए भी भाई जिगरा चाहिए, बहुत बहुत बड़ी बात है जिसको बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर, आप लोगों का क्या मानना है, क्या नितेश तिवारी वाकई में कुछ ऐसा सेट कर रहे हैं जहां पे एक ही फ्रेम पे हमें, एक ही फिल्म पे हमें रणबीर कपूर को, यश को और डार्लिंग प्रभास को देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह का धमाकेदार परोस देंगे हमें, ऐसा कुछ हो सकता है। जरूर कमेंट करना दोस्त क्या हो रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो डे वन कलेक्शन कितना जाएगा। रणबीर कपूर, यश, डार्लिंग प्रभास एक फिल्म में है, वो रामायण बेस्ड फिल्म है, तो इस फिल्म का कलेक्शन कितना जाएगा डे वन। कम से कम तो 300 करोड़ मेरी नजर में दिख रहा है, और अगर पैन वर्ल्ड लेवल पे, बड़ी लेवल पे रिलीज कर दें तो भाई 500 करोड़ के ऊपर भी चला जाएगा। आप लोग कमेंट करना, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है डे वन कलेक्शन।